Hello my lovely students, I hope you all are doing good. Today I am going to help you in solving question answer of your English grammar book, that is chapter 3. So without getting any further delay, let's get started. Question number A will be your homework and you all have to do in your textbook. And if you haven't buy the book here, then you all have to do in your classwork copy. Question number B. Choose from the box and write correct collective nouns for the following. क्वेश्चन नंबर बी में जो है यहाँ पे कॉलम में दिया कुछ वर्ड दिया गया है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उस जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर बी का वन लेते हैं, ए डैश ऑफ सिंगर्स, तो सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, जिसमें बैंड आ गया. उसी तरह ए डैश ऑफ कीज, तो चाबियों का जो गुच्छा होता है उसे क्या कहते हैं, तो बंच कहते हैं. थर्ड, ए डैश ऑफ ट्रैवलर्स, ए कारावैन ऑफ ट्रैवलर्स. फोर्थ, ए क्लाउड ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट मीन्स टिड्डी, जो अभी हम लोग न्यूज़ में देख रहे थे कि टिड्डी जो है उसने अटैक कर दिया था ये खेत वगैरह में, तो उसे इंग्लिश में लोकस्ट कहते हैं. ए डैश ऑफ सोल्जर्स, अ आर्मी ऑफ सोल्जर्स. ए डैश ऑफ सेलर्स, ए क्रू ऑफ सेलर्स. ए डैश ऑफ नेशंस, ए लीग ऑफ नेशंस. ए डैश ऑफ स्टार्स, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स. ए डैश ऑफ फीस, ए शोल ऑफ फीस. It took me only 5 minutes to solve this question answer. और मैं हिंदी में ही बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर ए जो है वो आप लोगों का होमवर्क होगा और आप लोगों को ये बुक में लिख के फ़ोटो डालना है, और जिनके पास बुक नहीं है, जिनने बाय नहीं किया है, वो कॉपी में लिख करके फ़ोटो डालेंगे. मैं इसका भी क्वेश्चन आंसर का भी फ़ोटो डाल दूँगी साइट पर. नाउ नेक्स्ट पेज, टिक द करेक्ट ऑप्शन. इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें हमें टिक करना है. क्वेश्चन नंबर वन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लान और अ थिंग स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसी पर्सन का नाम या कोई सामान का नाम जो होता है उस चीज़ को क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है नाउन मीन्स द नेम ऑफ एनी थिंग. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब उसका, इसको ऑप्शन में जो है वो किससे रिलेटेड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आंसर इज क्वालिटी, क्वालिटी से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन मीन्स इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मिल्क. मिल्क को तो कोई गिन नहीं सकता कितना मिल्क है, 1, 2, 3, 4, तो मिल्क इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और इसके लास्ट में कुछ वर्ड लगेगा सफिक्स, मतलब जो लास्ट में लगता है किसी वर्ड के, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में नेस है, टी एच है, आई टी वाई है, ई एन सी ई है, ए एन सी ई है, हुड है, सन है, डी ओ एम है, और इसमें एक चीज़ छूट गया है, एम ई एन टी भी होगा. इस बुक में बहुत ज़्यादा एरर है, तो ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो कुछ भी है वो सही हो, इसमें बहुत ज़्यादा एरर है इस बुक में, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर चुकी हूँ. इन्वेंट में लास्ट में सन लगेगा, तो इन्वेंशन, असिस्टेंस, फ्रीडम, एक्सीलेंस, हार्डनेस, डेप्थ, इस तरह इसके लास्ट में वर्ड लग के ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा. आई विल ऑल्सो अपलोड द इमेज ऑफ दिस पेज. क्वेश्चन नंबर सी, चेंज द वर्ड्स इन ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है उसको चेंज करना है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बना करके उसको लिखना है. आई हैव सॉल्व द दिस क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. So that's all for today. I will upload all the pics on the website and question number A will be your homework. So that's all for today. We will meet in our next video. Till then, stay safe, stay home, good luck.